हेलो फ्रेंड्स, अंजू की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली आटे वाले गुलाब जामुन। तो चलिए शुरू करते हैं आटे वाले गुलाब जामुन बनाना। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने एक कटोरी खोवा लिया है, आधी कटोरी गेहूं का आटा है और चाशनी बनाने के लिए हमने शक्कर लिया है। तो चलिए पहले खोए और आटे को मिक्स कर लेते हैं। एक हमने बड़ी सी थाली लिया है क्योंकि इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। गेहूं का आटा है, इसे भी हमें डाल के इसे मिक्स कर लेना है। अगर आपको लगे कि ज़्यादा कड़क है तो आप हल्का से इसमें दूध भी ऐड कर सकती हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर ठीक है। हमने इसमें दूध नहीं ऐड किया क्योंकि खोआ हमारा नरम था, इसलिए अच्छी तरह से इसमें आटा मिक्स हो गया। इसे हमें 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से मसल के से गूंथना है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अच्छी तरह से हमने इसका डो बना लिया है। ये देखिए, मैं आपको एक छोटी सी लोई बना कर दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल फट नहीं रहे हैं, बिल्कुल अच्छे चिकने बने हुए हैं। मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ा रेस्ट होने के लिए रख देती हूँ, तब तक मैं चाशनी की तैयारी कर लेती हूँ। चाशनी बनाने के लिए हमने 1 गिलास पानी लिया है, 1 कटोरी शक्कर। अब इसे मैं अच्छी तरह से घुलने देती हूँ, फिर इसमें हल्का थोड़ी सी इलायची पाउडर डालूँगी खुशबू के लिए। देखिए शक्कर घुलने लगा है, इसमें इलायची को मैं तोड़ के डाल रही हूँ। जब 1 तार की चाशनी बन जाएगी फिर मैं इसे गैस को ऑफ कर लूँगी। फिर लोई बना लेती हूँ छोटे छोटे से अपने गुलाब जामुन के आकार में। देखिए बिल्कुल हमें चिकना बनाना है ताकि फटे ना ये, इस तरह से। हमने गुलाब जामुन का शेप दे दिया है, अब एक एक करके हम फ्राई कर लेंगे। तेल को हमने गरम कर लिया है, अब गुलाब जामुन के फ्राई कर लेते हैं। देखिए कितने प्यारे कलर आए हैं गुलाब जामुन, हमने इसे फ्राई कर लिया है। जो बाकी गुलाब जामुन है उसे भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। गुलाब जामुन को हमने तल के रख लिया है, चाशनी भी हमारा बनके तैयार हो गया है। अब एक एक करके चाशनी में गुलाब जामुन को डाल रही हूँ। ये देखिए अगर हमारा वीडियो आपको पसंद है लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह से आप घर में गुलाब जामुन बनाएं दिवाली पे। मैंने गुलाब जामुन को चाशनी में डाल दिया है, एक उबाल आ गया है। मैं इसलिए डाली थी कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, इसमें चाशनी अच्छे से सूख जाए। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बना है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। अब गैस को मैं ऑफ कर लेती हूँ।